आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वॉइस क्लियर हो रही है मेरी? गुड आफ्टरनून। यस मैम। यस मैम। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे इश्यूज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। और इसमें सेकेंड जो पार्ट है वो भी हम लोग डील करेंगे, डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इश्यूज रिगार्डिंग डेवलपमेंट की जो बात कही गई है वो सीधे बात से क्या मतलब समझते हो, क्या इश्यूज क्या समझते हो आप लोग कि क्या हैं ये इश्यूज, क्या हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्या इश्यू मैम एनवायरमेंट का। हाँ बताइए। एनवायरमेंट इसकी रिक्वायरमेंट मैम फैमिली की, लाइक फैमिली इश्यूज हो गए उसमें आता है मैम, और जो आपका एनवायरमेंट है आसपास का उससे। मैम इश्यूज बहुत होते हैं, जैसे कि किशोरावस्था में जो बच्चा होता है ना वो बचपने में रहता है ना वो एडल्ट में चला जाता है, तो उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अपने अंदर नए नए चीजों को जो परिवर्तन होते देखता है तो वो समझ नहीं पाता उस चीजों को, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कहने का मतलब है कि पूरी जो लाइफ साइकिल, जो ड्यूरिंग टू होल लाइफ साइकिल जितनी भी स्टेजेस आपने पढ़े होंगे, इन्फेंसी पीरियड आता है, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, लेट एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड, ओल्ड एज, जो होल लाइफ साइकिल है इसमें कुछ ना कुछ जो है कुछ इश्यूज रहते हैं। इन इश्यूज को हम लोग जो है बात करेंगे। इससे पहले के लेवल में आप लोग जो पढ़ते रहे होंगे इश्यूज को, आप पढ़े रहे होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, है ना? हाँ, यस। आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट जो पढ़े होंगे जिसमें हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है फैमिली का, हेल्थ बच्चे की, न्यूट्रिशन कैसा उसको दिया जा रहा है, और अदर फैक्टर्स हैं, कैसा फैमिली इन्वायरमेंट है, कैसे फादर का ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन, सारी चीजें ये इंक्लूड रहेंगी, जिसको हम कहते थे फैक्टर्स अफेक्टिंग विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की। या हम जो डील कर रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं होल डेवलपमेंटल जो साइकिल है, जो पूरा होल चक्र, जीवन चक्र रहता है, वो क्या चीजें जो रहती हैं, क्या इश्यूज रहते हैं। ये बहुत थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल भी रहा है जब हम कुछ चीजें फिक्स हम लोग पढ़ते चले आए। आगे आप लोग ये जो है बहुत सारे जो है इसमें इन्वॉल्व रहे, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविद, फिलोसफर्स हैं, अलग अलग इसमें व्यूज रहे, उन सब का जो है इकट्ठा हम सबकी अप्रोचेस को एकदम देखते हुए कुछ इस तरह की अप्रोचेस रही कि कुछ की इश्यूज, देयर आर मेनी डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। As we evaluate them in this course, recall that development focus on how people change and the approaches address the nature of change in different ways. मतलब जो भी मानव विकास से बहुत सारे अलग अलग जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण आए, उन सैद्धांतिक दृष्टिकोण में ये बात सिर्फ केंद्र पर रही, इस बात को केंद्रित किया गया, इस बात पर विकास निर्भर रहा कि किस तरह से जो है विभिन्न तरीकों से परिवर्तन आता है, उसमें प्रकृति भी इंक्लूडेड है, कैसा प्रकृति से और ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशंस है उस पर भी निर्भर करता है, बाकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तब हम इस बात को कहते हैं कि बहुत सारे इश्यूज जो है इमर्ज होते हैं। और जो मेनली इश्यूज की इमर्ज की बात की गई वो आगे भी आएंगे कि क्या चीजें, तीन क्या इश्यूज हैं। देयर आर नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज दैट हैव बीन डिबेटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसकी जो है डिबेट आज तक
है ना, ये अभी पहले की कोई बात नहीं हम कर रहे हैं, ये अभी तक ये सब चीजें चलती चली आई हैं। पहली बात हम कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या मोर जेनेटिक कारण की वजह से होता है, अनुवांशिकता के कारण होता है या एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ अभी भी पूरी चीजें क्लियर नहीं है कि अनुवांशिकता किसी के भी डेवलपमेंट पे, हम जब बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अनुवांशिकता जो है, जो जेनेटिक, जो जीन्स हम जिनको कहते हैं, कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो वातावरण है या जो पर्यावरण हम कहते हैं कि वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात आती है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या धीरे धीरे होता है और सुचारू रूप से चलता रहता है क्या? जो आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा होगा ना, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पढ़ा है? यस मैम। लेकिन यहाँ पे यही एक इशू आता है कि ये आगे आएगा भी, इसमें जो तीन पॉइंट्स आएंगे आगे चीजें और क्लियर होंगी, कि धीरे धीरे सुचारू रूप से ही चलता रहता है या उसमें क्या होता है कि परिवर्तन आते जाते हैं, जब अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग स्टेजेस में, चरणों में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, जो बाल्य अवस्था के जो अनुभव हैं, उनका क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में, या जो लेटर उसके या बाद के जो उसके अनुभव हैं वो भी बराबर के होते हैं? कहने का मतलब है कि जो उसके अनुभव बाल्य अवस्था में रहे, किसी भी चीज को उसके एक्सपीरियंसेस रहे, वो एक्सपीरियंसेस बाद के एक्सपीरियंसेस के बराबर हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए। तीन चीजें ये दिमाग में, क्योंकि हम कभी किसी चीज को तब ढंग से समझ सकते हैं जब तक हमारे अंदर क्वेश्चनिंग वाली चीज नहीं आएगी, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी वाली बात नहीं आएगी, कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें ये सबसे पहले क्वेश्चन जरूर रेज करने की, तभी हम उसका आंसर ढूंढेंगे ना। आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हो रिसर्च के, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन, जब कोई प्रॉब्लम है होती है तो वो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो कोई भी चीज को हम जब लेते हैं तो सबसे पहले यही हमें सोचने की जरूरत है, वहां थिंकिंग की जरूरत है, वहां थॉट्स की जरूरत है कि उस चीज के बारे में। तो ये तीन चीजें जब आती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज, तो तीन चीजें ये आई कि जेनेटिक्स जो जीन्स है, अनुवांशिकता है ना, वो विकास के लिए, मानव विकास के लिए जो है क्या कहते हैं जिम्मेदार है, कि पर्यावरण या एनवायरमेंट है ना, या वातावरण है। दूसरी चीज आई क्या जो है विकास धीरे धीरे और एक सुचारू ढंग से चलता रहता है, या किसी एक स्टेज पे क्या होता है वो परिवर्तन अचानक हो जाता है, या तीसरी बात आती है कि जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव, जो किसी भी चीज के द्वारा अनुभव, हर तरह के, हर फील्ड की बात हम इसमें करेंगे है ना, किसी भी डोमेन की बात करते हैं अगर डेवलपमेंट, तो अनुभव जो है वो क्या बराबर होते हैं, जो बाद के अनुभवों के बराबर किसी के ह्यूमन बीइंग के विकास पर, डेवलपमेंट पर। ये इतना चीज क्लियर हुई? यस मैम। नेक्स्ट जो है, ये तीन इश्यूज है मेनली, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तीन इश्यूज आते हैं, ये नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर, जिसको हम दूसरे अगर शब्दों में भी अगर हम कहते हैं तो हम बात करते हैं कि इसको यहाँ पे जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी इसको लिखा जा सकता है ना, नेचर प्रकृति की बात कर रहे हैं और जो पालन पोषण करता है, ठीक है, जो वातावरण है या पर्यावरण है। दूसरी बात आती है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, ना कि लगातार जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है या उसमें कहीं पे भी ब्रेक भी है। फिर तीसरी आती है बात स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, कि हर एक अवस्था में, हर एक स्टेजेस में जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव का जो विकास है, वो स्टेबिलिटी ही रहती है हर एक अवस्था से गुजरते समय में, या चेंज आते हैं।
ये थोड़ा सा इश्यू हमेशा डिबेट कर रहा है कि नेचर ठीक है कि हम जन जी बात करते हैं, नर्चर है ना, कंटिन्यूटी ये है। वो अलग अलग कुछ चीजें होती हैं जो आगे हम करेंगे कि कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं या डेवलपमेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, जेनेटिकली कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नर्चर पे कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट पे कर रहे हैं। ये आगे चीजों को और क्लियर, ये इश्यूज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, यही जो पीछे दिया था। अब हम बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर की। हम जो बात करते हैं, यहां बात आती है कि किस हद तक मानव व्यवहार आनुवांशिकी और या जीवन विज्ञान द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। कि कितनी लिमिटेशंस है, किस हद तक जो है मानव व्यवहार, कहाँ तक आनुवांशिकी उस पर है, मतलब कहने की बात है कि जीन्स का असर किसी भी व्यवहार पर किस लिमिट तक है, उस बात को हम कहेंगे। तो वो नेचर की बात आएगी, वो प्रकृति की बात आएगी कि कितनी लिमिटेशंस हैं। अब ये दो चीजें हैं नेचर वर्सेस नर्चर में, जिसमें कि मैंने कहा ना कि जितने साइकोलॉजिस्ट रहे है ना, जितने जो भी कुछ फिलोसफर्स रहे हैं, जो थिंकर्स रहे हैं, वो अलग अलग व्यूज पे, इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल इशू आया कि नेचर वर्सेस नर्चर की बात की। हम तो जब बात करते हैं, जब कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट पे, हम कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों वर्ड एक साथ चलते हैं, है ना, ये दोनों वर्ड्स को एक साथ हम कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो हम कह रहे हैं नेचर वर्सेस नर्चर की बात करते हैं, एक साथ करते हैं। पर यहाँ यही इश्यू आता है कि ऊपर क्या है, नेचर ऊपर है, हेरिडिटी है कि नर्चर है, किस चीज का। तो ये अलग अलग व्यूज रहे हैं। जैसे प्लेटो है ना, प्लेटो ने इस बात को कहा कि जो अच्छा है ना, गुड नेचर है, ब्यूटी है ना, जो व्यवहार है अच्छे होने का और सुंदरता है, वो क्या है, इनबॉर्न, जन्मजात का है ना, इननेट, वो उन्होंने बिहेवियर कहा प्लेटो ने कि ये जन्मजात है। तो ये नेचर है, हेरिडिटिकल मान लिया कि कोई अच्छा है और कोई सुंदर है, प्लेटो के अकॉर्डिंग बात की। डेस्कर्ट ने कहा कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ इस तरह के जो व्यवहार होते हैं, कुछ विचार होते हैं जो जन्मजात होते हैं ना, उन्होंने कोई डिफ्रेंशिएट किसी चीज को नहीं कहा, कुछ विचारों को कहा जो जन्मजात होते हैं, जो जिसको हम हेरिडिटी मानेंगे, नेचर की बात कहेंगे, प्रकृति जिसको हम कहेंगे कि प्राकृतिक रूप में वो चीजें होती हैं। चार्ल्स डार्विन की हम अगर बात करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ लक्षण कहे कि प्राकृतिक है ना, वो चयन के माध्यम से हमारी प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे नेचर का वो हिस्सा बन जाते हैं, और जो हम अगली पीढ़ी तक उन गुणों को क्या है, लेके जाते हैं। चार्ल्स डार्विन का एक्सपेरिमेंट याद मालूम है किसी को, कोई बताएगा, डार्विन का? नो मैम। डार्विन ने जो है F1 F2 जनरेशन का याद है, कुछ नहीं पढ़ा है? डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने थर्ड जनरेशन में है ना, जो करेक्टर्स, जो जीन्स सप्रेस रहते हैं, जो दबे हुए रहते हैं, उन जीन्स का उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल किया F1 F2 F3 जनरेशन में, उन्होंने देखा कि जो डॉर्मेंट फेज में थे, जो सुप्त अवस्था में थे, वो F3 जनरेशन में क्या हुए, वो बिल्कुल जागृत अवस्था में आ गए। जो डॉर्मेंट फेज में थे वो उन जीन्स का जो है, जो कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उस पर फ्लावर के कलर पर किया, तो ये देखा थर्ड जनरेशन में। तो यहाँ भी उन्होंने ये भी बात कर रहे हैं, जो चार्ल्स डार्विन भी बात कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ गुण इस तरह के होते हैं जो अगली पीढ़ी से फिर नेक्स्ट पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में जाके जो सप्रेस वे में होते हैं और निकल के, और तीसरी जनरेशन में निकल के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन हम अगर बात करते हैं है ना,
इन जो है मनोवैज्ञानिकों की बात करें, है ना, या इन जो है क्या कहते हैं जो हमारे जो थिंकर हैं या जो फिलोसफर है, इनकी बात हम तीन की अगर बात करते हैं, तो इनका मानना है कि जो डेवलपमेंट में कुछ चीजें हैं वो नेचर पे डिपेंड करती हैं, हेरिडिटी पर डिपेंड करती हैं। दूसरी तरफ नर्चर की जब बात आई है, जब यहाँ पे हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो एरिस्टोटल का अगर हम बात करते हैं, एरिस्टोटल ने तो इन्होंने कहा ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस। उनका ये मानना कि जितना भी ज्ञान है ना, जितनी भी नॉलेज है जो ह्यूमन है, वो किससे अर्ज करता है, किससे उसको मिलती है, वो मिलती है सेंसेस से। ठीक है, सेंसेस, कितनी सेंसेस होती है, हाउ मेनी सेंसेस मैम? फाइव। कौन कौन सी? देखने की, सुनने की, सूंघने की। मैम आंख, कान और जीभ, और मैम स्किन, और एक चीज और होती है कुछ, आंख कान नाक। मैम यस मैम, हमारी सूंघने की शक्ति है ना। यस मैम, हाँ सूंघने की शक्ति मैम, नाक और कान और आंख, और मैम एक स्किन होती है और एक जीभ टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए। जो एरिस्टोटल ने कहा कि उस क्या है कि जितनी भी सेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर बच्चे को, है ना, कॉन्सेप्ट अगर बच्चा समझता है, अगर हम एक सेंस का हम यूज करते हैं कि स्मेल करके, है ना, मदर को वो कैसे पहचानता है। कभी कभी देखा है कि मदर की वो चाहे शक्ल से नहीं, मदर अगर बैक साइड में भी है तो उसकी जो जो स्मेल है उससे मदर को पहचान लेता है। तो यहाँ यही है कि उसने अपनी सेंस का यूज करके जो है अपनी मदर को जानना सीखा। उस समय ये चीजें थोड़ी उसको पता होती हैं कि ये कपड़ा पहना है, ये चीज है, वो उसको इतना तब कोई मेच्योरिटी लेवल नहीं होता है उसका। तो एरिस्टोटल का ये मानना रहा कि जितना भी जो डेवलपमेंट या में जो उसने नॉलेज की बात की वो सेंसेस के थ्रू होता है। दूसरी बात आई है जॉन लॉक की, है ना। जॉन लॉक ने ये कहा कि उन्होंने कह दिया, कहा कि जो बिल्कुल माइंड जो बच्चे का वो ब्लैंक स्लेट है, है ना, चॉक बोर्ड है और स्क्रीन है एकदम ब्लैंक, है ना, तो उस पर बस लिखा जाता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू। एक्सपीरियंसेस कहाँ से आएंगे, थ्रू कहाँ से आएंगे, एनवायरमेंट, वातावरण से जो भी एक्सपीरियंस मिलेंगे, जो अनुभव मिलेंगे, उसके द्वारा उसका विकास होगा। वो यहाँ हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ सारे डोमेन्स की बात कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट होगा ओवरऑल, वो इनका ये मानना कि बिल्कुल ब्लैंक है बच्चा, उन ब्लैंक हो कहते हो, बस उसको एक्सपीरियंसेस के द्वारा वो सारी चीजों को लर्न करेगा। अभी आ रही है यहाँ पे दो दो इश्यूज आ रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, कि नेचर भी कहा जा रहा है कुछ चीजों को लिए, कुछ गुणों की बात की जा रही है, कुछ लक्षणों की बात की जा रही है जो कि जेनेटिक है ना, जो प्रकृति के द्वारा, जो नेचर के द्वारा, और दूसरी बात कही जा रही है और इनके द्वारा कही जा रही है एरिस्टोटल और जॉन लॉक के द्वारा। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सब चीज जो है वो एक्सपीरियंसेस पे, एरिस्टोटल ने कहा कि सेंसेस के द्वारा सीख सकता है। अब हम नेचर की जो बात कर रहे हैं कि नेचर तो क्या है, बिहेवियर इज कॉज्ड बाय इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, है ना, पर्यावरण जो भी वातावरण है उस पर निर्धारित किया जाता है। जो चीजें हम लोगों से सीखते हैं, जो चीजें देखते हैं, है ना, क्या होता है, इन्हीं के द्वारा चीजों को वह सीखता है। नेचर में क्या चीजें आएंगी जो इननेट रहेंगी, नर्चर में कौन सी चीजें आएंगी जो कि बाहरी तौर से जो बच्चा सीखेगा। लेकिन अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, है ना, प्रकृति, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कहते हैं नेचर जहां पे बात आ रही है तो क्या आ रही है, यहाँ हेरिडिटी की बात आ रही है। ठीक है, नेचर इज इक्वलेंट टू हेरिडिटी, अनुवांशिकता,
और नर्चर की जो बात आ रही है वो आ रही है जो पालन पोषण करने वाला, पालन पोषण से मतलब उसमें मदर और वो फैमिली वो अलग चीज है। यहाँ हम बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, एक बड़े उसमें देख रहे हैं कि वहां नर्चर की जो हम बात कर रहे हैं वो पर्यावरण वातावरण जिसको हम कह रहे हैं एनवायरमेंट कह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ भी क्या है, नेचर क्या है में कि जो व्यवहार होते हैं वो जन्मजात विशेषताओं के कारण होते हैं, ठीक है। और वहां हम जब नर्चर की आगे आएगा, जब हम यहाँ से ही कंपैरिजन करते हैं, जब हम नर्चर की बात करते हैं तो तब क्या होता है कि वहां पे व्यवहार हमको क्या है, बाहरी वातावरण से पर्यावरण से जो चीजें देख रहा है ना, जो हम चीजों को देखते हैं, जो चीजें सामने हो रही होती हैं, उन सब चीजों से क्या है व्यवहार किसी का बनता है, चीजों का जो डेवलपमेंट है वो उन पर बेस्ड होता है। जैविक विशेषताओं के साथ जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है बॉन्ड होता है, इसलिए व्यवहार जीव विज्ञान द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए कहा गया कि जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो बायोलॉजी से है ना, जीव विज्ञान से कहा गया कि उससे डिपेंड। पहले भी मैंने पढ़ाया था कि जब हम थ्योरीज की जब बात करते हैं तो थ्योरीज को भी हमने क्या कहा है कि अगर हम बात करेंगे तो वो उसको भी ये माना है, अगर हम बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं कोलबर्ग की, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थ्योरी है, वो भी क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सारे जितने सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, उसी तरह से क्या है मॉरल डेवलपमेंट है ना, जो क्या करना। तो इसीलिए हमने कहा कि या नेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है ना, वो भी किससे डिटरमाइंड होता है, वो किससे अर्जित होता है, वो जीव विज्ञान से ही है ना डिपेंड करता है, उसी का एक अर्जन का तरीका है। इसके अलावा कुछ जो डिटरमिनिस्ट व्यू भी रहे हैं नेचर के बारे में, तो उन्होंने भी अपना ये सुझाव दिया है कि सभी व्यवहार वंशानुक्रम कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, विरासत में मिली विशेषताएं या अनुवांशिक है ना, जो भी चीजें रहती हैं वो क्या है विरासत से मिलती हैं, इननेट हैं, जन्मजात हैं है ना, बायोलॉजिकल है ठीक है, और तीसरी क्या का अनुवांशिक है। ये सब चीजें क्या आती हैं कि प्राकृतिक रूप से ये इन सब चीजों पे किसी भी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट, उसका विकास निर्भर करता है। ये अगर हम बात कहते हैं कि जितने भी व्यवहार हैं वो क्या है, वो बिहेवियर सेट टू बी प्रेजेंट फ्रॉम कंसेप्शन, वो जन्म से है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है कंसेप्शन से ही क्या है, तभी से वो व्यवहार उसके अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम जेनेटिक्स का, हमने हेरिडिटरी का, अनुवांशिक जिनको कहा है। तो जीन प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट फॉर ऑल बिहेवियर, सम प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, अदर्स प्री प्रोग्राम टू इमर्ज विद एज। जो जीन्स है वो एक तरह का क्या करता है कि पूरा ब्लूप्रिंट जैसा, जब हम घर बनवाते हैं ना, घर बनवाने पे नक्शा बनवाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है नक्शा कि यहाँ पे ये कमरा बनेगा, यहाँ डाइनिंग रूम होगा, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ड्राइंग रूम रहेगा, ये किचन होगा, ये वॉशरूम होगा। तो जिस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उसी तरह से जीन्स भी क्या है, एक ब्लूप्रिंट तरह का एक बिहेवियर का, एक व्यवहार का तैयार करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो पियाजे की बात करते हैं कि जीन पियाजे की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे, चिल्ड्रंस थॉट प्रोसेस चेंज एट प्री डिटरमिन्ड एज रिलेटेड स्टेजेस, चेंज इन एज आर रिलेटेड टू चेंजेस इन बिहेवियर। मतलब जो व्यवहार है वो क्या है, एक पूरा ब्लूप्रिंट, जो बात मैंने कही ना ऊपर, जो बात कही है कि ब्लूप्रिंट तरह का तैयार है कि शैशवावस्था होगी तो ये इस तरह का व्यवहार होगा, जब शैशवावस्था के बाद में जब पूर्व बाल्यावस्था में आएगा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में तो इस तरह का व्यवहार हो, तो वो एक ब्लूप्रिंट जेनेटिकली जीन्स के थ्रू वो एक पहले से तैयार होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंटल जो उस जो प्रोसेस है वो एक तरह से जेनेटिकली
जो कहा गया कि वो पहले से तैयार रहती है, पहले प्री डिटरमिंड है कि इस एज में इस तरह का डेवलपमेंट होना है। अब हम बात करते हैं तब नर्चर की, जब हम बात करते हैं है ना। अब नर्चर प्रकृति तो हमारे खत्म हो गई, हेरिडिटी, अब दूसरी हम जो बात कर रहे हैं, जो जो इश्यू आता है कि नर्चर कहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी कहा कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्तियों का व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, वातावरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिन चीजों को व्यक्ति देखते हैं, सीखते हैं, है ना, बाहरी उससे समझते हैं, इसी सबसे व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कही गई कि कुछ जो है डिटरमिनिस्ट का ये भी व्यू रहा कि जितने भी मानव के व्यवहार हैं वे पर्यावरण के साथ बातचीत का एक परिणाम से निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन, जो उसका सहसंबंध अपने वातावरण के साथ, अपने जो आसपास का उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका माहौल है जहां वो रह रहा है, उसके साथ जो इंटरेक्शन है, उसके साथ जो उसका सहसंबंध है, या उसको कहा गया उसके साथ जो उसकी बातचीत है, उसका जो है प्रभाव किसी भी है ना ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसके विकास पर पड़ता है। अब पहले इसको क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियरली इसको समझ लो। नेचर की जब बात आई तो नेचर और नर्चर दोनों की बात आती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। लेकिन हम जब क्यों ये इशू आता है कि अलग अलग व्यूज के आने की वजह से ये इशू हुआ। नेचर में चीजें क्या है कि जो जन्मजात करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बताई गई। बायोलॉजिकल है ना प्रोसेस बताया गया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो है। तीसरी बात आई अनुवांशिक, जो भी गुण है ना, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो है इनहेरिटेड है, वो जो है डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिर ये भी आया है, कॉन्सेप्शन की बात भी की है कि जो जन्मजात जो चीजें प्रेजेंट होती हैं, और क्या बात आई कि जो है एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है पूरा करके कि किस स्टेजेस में कहाँ पे एक पूरी प्रोग्राम प्लानिंग ऐसे कह सकते हो है ना, जो प्रोग्राम प्लानिंग पहले से करके कि ये इस तरह से डेवलपमेंट होंगे। नर्चर की पर बात जब हम आप करते हैं, जब हम वातावरण की बात करते हैं तब क्या चीजें आती हैं, तब बात क्या आती है कि जो चीजें व्यक्ति बाहरी तौर से देखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, उन चीजों को समझता है, उसके द्वारा उसका डेवलपमेंट होता है या उसके द्वारा उसके व्यवहार निर्धारित होते हैं। दूसरी जो बात की है वो क्या की गई है कि ये चीज मानी गई है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि उसका किस तरह से वातावरण के साथ, उसके पर्यावरण के साथ, जहां वो रह रहा है उस एटमॉस्फेयर के साथ, उसका कैसा सहसंबंध है, उसका इंटरेक्शन किस तरह का है, उस पर उसका व्यवहार निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं नेचर नर्चर इंटरेक्शन की, है ना, दोनों चीजें क्योंकि साथ में चलती हैं। तो वो क्या चीजें हैं कि व्यवहार क्या होते हैं कि ज्यादातर प्रकृति और पोषण के बीच की एक मतलब कड़ी है, एक बातचीत का एक रिजल्ट है, एक परिणाम है ना। जो भी व्यवहार है, जो व्यवहार की यहाँ बात हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात आ रही है कि नेचर और नर्चर, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच एक क्या है, एक बातचीत का, एक रिलेशंस का एक परिणाम है, एक रिजल्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मे एलिसिट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इन अदर पीपल। किसी भी व्यक्ति में जो विशेषताएं होती हैं वे दूसरे अन्य लोगों द्वारा विशेष प्रतिक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब यह है कि दूसरा बाहरी जो है
है ना, व्यक्ति जो भी केयर टेकर है या जो भी है बच्चे के, हम कहें कि उसके कोई विशेषता है, वो क्या है, दूसरे लोग उन विशेषताओं के बारे में उसकी बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात आती है, ठीक है, कैसा स्वभाव है, ठीक है, बच्चा कितना एक्टिव है, कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना मतलब उत्तरदायी है, कितनी उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है, किसी की बात के लिए कितना कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितना वो एक्टिव है, कितना जो है भावनात्मक है, या कह सकते हो कितनी भावनात्मक रूप से वो प्रभावित होता है किसी भी चीज से, किसी भी समस्या से या किसी भी परिस्थिति से। तो ये चीजें जो है उस शिशु की, जो भी कोई देखभाल करने वाला है, उसकी प्रतिक्रियाओं से निर्धारित होती है, ठीक है, वो क्या उसकी जो प्रतिक्रिया है उस पर निर्धारित होती है कि वो कितना एक्टिव है, कितना रिस्पॉन्सिव है और कितना वो जो है कितना भावुक है किसी भी चीज को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर दोनों की बात की गई, और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या है, किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स किसी अदर पीपल की, वो दूसरा बताएगा, है ना, क्या किस तरह का उसका व्यवहार है। अगर हम जेंडर की जैसे बात आई, दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं जेंडर की, तो क्या होता है, पीपल टेंड टू रिएक्ट डिफरेंटली इन टू बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लोग हैं, हम समाज में बात करते हैं, तो वो क्या है, लड़के और लड़कियों से एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनकी, है ना, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, और इसीलिए उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, है ना। जो हमारे समाज में भाई बॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई उसका ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एक एग्जांपल से अगर समझो कि भाई वो बाहर के काम है ना, उन कामों को वो भाई बाहर जाके करेगा। लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, जो हमारी अब अपनी इंडियन सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, कहीं वो जो है कम से कम भाई घरेलू कामों को, खाना बनाना जानती हो, या ये एक्सपेक्टेशन एक सोसाइटी की एक पहले से बनी हुई है। तो जो रिएक्शन होगा, है ना, लोगों का जो रिएक्ट कर, जो रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, प्रतिक्रिया देंगे, वो कैसे देंगे, और जेंडर बेस्ड, लड़कों की मेल की जो तरफ जो प्रतिक्रिया रहेगी वो उनके हिसाब से, जो एक्सपेक्टेशन से हिसाब से रहेगी, और लड़कियों की तरफ जो रहेगी प्रतिक्रिया दी जाएगी वो उनकी एक्सपेक्टेशन उस फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही है तो आप दोबारा उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लूं? यस मैम। नेक्स्ट आता है एग्रेशन की हम बात करते हैं, है ना, आक्रामकता की बात करते हैं। तो क्या है, जो गुस्से का व्यवहार जो दिखाया जाता है, तो क्या है कि लोगों की क्या होती है, एक विशेष प्रतिक्रिया उस पर होती है। कोई अग्रेसिव है, चाइल्ड है, कोई भी, तो दूसरे जो लोगों की वो प्रतिक्रिया एकदम एक विशेष रूप से अलग से रहेगी। तो ये कॉन्ट्रोवर्सियल है, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की। क्या क्या इश्यूज थे, पहला इश्यू था नेचर वर्सेस नर्चर, दूसरा कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की, ठीक है, और जो तीसरा आगे हम, क्योंकि करते समय ये ना भूलते जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना, किन चीजों को हम डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इश्यू भी होता है जो कि आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, है ना, लेकिन यहाँ एक बात ये भी आती है कि कहीं पे निरंतरता के साथ साथ क्या है, हम अनिरंतरता की भी बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी की भी बात कर रहे हैं। तो जो विकासात्मक जितना जो भी हमारी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग जो है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो क्या बात है, कही जाती है कि डेवलपमेंट का जो इश्यू बताया गया है कि परिवर्तन समय के साथ सुचारू रूप से होता है या पूर्व निर्धारित चरणों की एक ये एक श्रृंखला है कि जो पहले से डिसाइडेड है या निरंतर चलता रहता है।
पर कहीं पे ये बात डिसकंटिन्यूटी की जो बात आई है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी आर टू कंपीटिंग थ्योरीज, ये दो अपने आप में एक जो है प्रतिस्पर्धा है इन थ्योरीज में, इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ पीपल चेंज थ्रू द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स, कि सब लोग अपने जीवन के दौरान कैसे बदलते हैं, ये चीज भी आती है। ये नहीं है कि वो एक जैसी चीजें सुचारू रूप से एक जैसा चलता चला जाएगा, कहीं पे बदलाव भी आता है, डिसकंटिन्यूएशन भी आता है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक एक जो है एक नॉर्मल है ना, एक बिल्कुल स्मूथ, एक सहज जो है पाठ्यक्रम के साथ बदलता है। जैसे कि आप लोगों का एक होता है, आप लोगों ने बीए में पढ़ा, बीए में क्या था, बीए में फर्स्ट ईयर में ये सिलेबस रहेगा, सेकंड ईयर में ये रहेगा, थर्ड ईयर में ये रहेगा, एमए में आए तो एमए में करने के बाद में चार ये कोर्सेज इसके होंगे, चार इसके होंगे, एक क्या है, एक आपके पूरा एक पाठ्यक्रम बना हुआ है। तो कंटिन्यूटी थ्योरी जो है, जो निरंतरता का सिद्धांत, वो यही कहता है कि एक पूरा तरह सा एक सहज एकदम पाठ्यक्रम बना होता है कि पूरे जीवन में वो इसी तरह से पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा। और द डिसकंटिन्यूटी इंस्टेड कंटेंट्स दैट पीपल चेंज एब्रप्टली, लेकिन क्या है, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो बदलाव आता है वो एकदम अचानक आता है। यहाँ ये मानना है कि बदलाव वो एकदम अचानक आने वाली चीज है। कंटिन्यूटी थ्योरी इस बात पे कहती है कि एकदम सहज रूप से एक नॉर्मल स्मूथ गोइंग है ना, एक पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस चलती रहती है। पर डिसकंटिन्यूटी थ्योरी कहती है कि नहीं, जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो क्या आते हैं, वो एकदम अचानक जो है बदलाव आ जाते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें। These changes can be described as a wide variety of someone's social and behavioral makeup, like their emotions, traditions, and beliefs. परिवर्तनों को उनकी भावनाओं पे, उनके विश्वास, उनकी परंपराओं, है ना, जो भी जो परिवर्तन है वो इन सब चीजों में आते हैं। तो ये सामाजिक और व्यवहारिक है ना, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि कैसा सामाजिक और कैसा उसका अपना व्यवहार है, कैसे उसके अपने वो इमोशंस है, उसके ट्रेडिशंस कैसे, उसकी बिलीव्स कैसे हैं, इन सब चीजों पे जो है उसका जो परिवर्तन है, उसकी भावनाओं में, उसका विश्वास करना, उसकी परंपराओं में, ये सब चीजें बदलाव आते हैं। अब बात आती है कि इस चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस, और वही फिर क्वेश्चन, क्योंकि बिना हम किसी की किसी भी नॉलेज को, किसी भी ज्ञान को तब तक हम अर्जित नहीं कर सकते, तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। जब तक हम किसी चीज पे हमारी क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, तब तक आगे वो चीजें बढ़नी नहीं जाएंगी। तो कहा इस चाइल्ड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब ये बात आती है कि क्या जो बाल का जो विकास है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हालांकि सभी मनोवैज्ञानिक जो है वो इस बात से सहमत है, इस बात से वो मानते हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि जो विकास है वो एक निरंतर और एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पर कुछ जो है वैज्ञानिकों का ये मानना भी है कि प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन ये असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस भी मानते हैं इसको, कि विकास के क्या होता है कि विकास के प्रत्येक चरण में होने वाले जो भी विभिन्न प्रकार के व्यवहार है वो क्या है, अलग अलग है। और हर एक चरण में, ठीक है, आप पहले समझिए कि क्या है, व्यवहार अलग अलग है हर एक चरण में, फिर चरण भी अलग अलग है। तो ये मानना है कुछ लोगों का कि देखो ये लिखा है, बिलीव डेवलपमेंट वॉज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट स्टेजेस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर अकरिंग इन ईच स्टेज। एक तो स्टेज अलग है, ठीक है, स्टेज के साथ साथ में क्या है, उसमें व्यवहार भी अलग है, और वो व्यवहार भी क्या है, वो भी डिस्टिंक्ट है ना, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं।
बात आती है अब थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात आती है कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है क्या, किसी को पता है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? बताएगा कोई थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? सामने स्लाइड भी खुली हुई है, उसे ही देख के बता दो। क्या है? हाँ बोलो स्वातिका। हाँ हाँ स्वातिका बोलो। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है बेटा? ये वन वे प्रोसेस ना रखो इसको मैम, जिसमें साइकोलॉजिकल फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट की बात जहाँ पे होती है वो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। ये एक तरीके से डोमेन होता है। पूरे ये कह सकते हैं कि पूरे हमारे जीवन भर जो है, जो जो विकासात्मक जो चरण है ना, वो क्या है कि पूरे जीवन भर जो है, जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल है ना, शारीरिक जो विकास हमारा आगे बढ़ता है ना, वो सारा इसी में डेवलपमेंट जो थ्योरीज है इसी में इंक्लूडेड है कि जितनी भी साइकोलॉजिकल हमारे चेंजेस हैं या डेवलपमेंट हैं, जितने हमारे फिजिकल चेंजेस हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में होते हैं, वो क्या है ये डेवलपमेंट इसी के अंतर्गत आते हैं, थ्योरी के अंतर्गत आता है। पर इस पर क्या है कि अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों के मत थोड़े अलग अलग रहे, विचार इसमें अलग अलग होते हैं। जो ज्यादातर जो सिद्धांत है ये डेवलपमेंट थ्योरी का, वो तीन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। वो तीन क्षेत्र क्या है कोई बताएगा? डेवलपमेंटल थ्योरी को कौन सी है, स्टेज थ्योरीज कौन कौन सी है, जरा स्टेज थ्योरी बताओ। ये नेट का क्वेश्चन है, स्टेज थ्योरीज कौन सी है तीन? मैम इट इट ईगो सुपर ईगो वाला। नहीं बेटा वो तो आपने फिर एक ही बात कर दी है ना। साइको एनालिटिक थ्योरी जो फ्रॉइड की, दिस इज आल्सो द स्टेज थ्योरी। एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है ना, पदानुक्रमक सिद्धांत है मैडम उसका। हाँ? पदानुक्रमक सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में मैम। साइको एनालिटिक थ्योरी मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है स्टेज थ्योरी। दूसरी कौन सी है? साइको सोशल थ्योरी को क्या कहेंगे हिंदी में? सामाजिक अतिक्रम। साइको सोशल थ्योरी मनोसामाजिक, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत ये भी आपकी स्टेज थ्योरी है। ठीक है मैम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे की भी तो आई थी। तीसरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की, ये भी आपकी स्टेज थ्योरी है। ठीक है, ये जो मैम एक थ्योरी वो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है बंडूरा की, वो भी क्या मैम इसमें? उसको भी कहते हैं क्या कहते हैं, और जो जो देखो स्टेज थ्योरी हम क्या कह रहे हैं, सीधे आसान भाषा में ये समझ लो, स्टेज थ्योरी हम स्टेज की बात आ रही है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ अवस्थाओं की बात आ रही है। ठीक है, जहाँ अवस्थाओं की बात आ रही है तो वो स्टेज थ्योरी है, सीधे सिंपल, इसमें कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। कि हमने डेवलपमेंटल स्टेज की बात करी है तो अगर हम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग की कहते हैं तो वो भी स्टेज थ्योरी है। तो जहां अवस्थाओं के अनुसार विकास हो रहा है वो क्या है, वो डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी की बात कर रहे हैं। या हम जब बात कर रहे हैं यहाँ अभी हमने, तो हमने तीन की बात इसलिए कर रहे हैं, तीन सिद्धांतों की बात यहाँ पे की है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इश्यूज हैं, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट के जो बात की है, तो इनमें तीन में ले रहे हैं। एक तो क्या लेते हैं, एक साइको एनालिटिक व्यू लेते हैं फ्रॉइड का। ठीक है, यस मैम, एक साइकोएनालिटिक व्यू लिया जाता है। दूसरा लेते हैं हम जो है एरिक्सन का।
ठीक है, इन्होंने ही जो फ्रॉइड की थ्योरी है उससे अलग हटके है ना थोड़ा उसी का विस्तार किया है। फिर कहते हैं हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी जो कि जो प्याजे के द्वारा दी गई। कोई बताएगा साइकोएनालिटिक थ्योरी का कोई थोड़ा सा हल्का सा बताओगे क्या है इसका मेन? मैम ओरल एनल फैलिक लेटेंसी और जी से जेंडर का करके है कुछ। इसका एक जिस्ट बता दें पूरा एक क्या है कि फ्रॉइड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है उन्होंने किस चीज पे कहा है कि जो बच्चे के अंदर जो अचेतन अनकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, जो अनकॉन्शियस माइंड जो अचेतन मन है ना, उसके अनुभवों के जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं है ना, और उसका जो अचेतन माइंड है उसके दोनों के महत्व को बताया है। मैम तीन बताए हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, ईगो सुपर ईगो, ईगो वो चीज है, हम वो पूरी थ्योरी का वो मैं कह रही हूँ वो तो चीज है ही ईगो सुपर ईगो। मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ बात कर रहे हैं हम क्या देख रहे हैं डेवलपमेंटल इश्यूज की बात हम जो कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो अचेतन मन है ठीक है, जो जो अनकॉन्शियस माइंड है ठीक है, और जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जो बचपन के जो अनुभव हैं उसका महत्व है ना, उसका बहुत ज्यादा महत्व उन्होंने कहा है कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम बात करते हैं किसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं जो इश्यूज है डेवलपमेंट के, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें ये एक पहलू आता है। मैम प्याजे ने अपनी थ्योरी में चार स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट भी है। यस मैम और फॉर्मल ऑपरेशन, ये चार स्टेजेस बताई थी उन्होंने डेवलपमेंट की अलग अलग एज के अकॉर्डिंग। अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है कि ये जो अपने हिसाब से ये चीजों को अलग अलग सबने अपनी थ्योरीज ने जो साइकोलॉजिस्ट रहे इन्होंने थ्योरीज को दिया, मतलब इन्होंने कहा मेनली किस पर बेस दिया, इन्होंने कहा कि जो सेक्सुअल एनर्जी है ठीक है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं दिस इज लिबिडो कहा जाता है, लिबिडो दिस इज सेक्सुअल एनर्जी, इन्होंने कहा कि ये जन्म से लेके है ना, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और ये बच्चे के अंदर स्टोर होती है ठीक है, ये पाई जाती है, और अलग अलग जो तरीके हैं इस उन अलग अलग तरीकों से बच्चा को जो कहा ना जब हमने इन्फेंसी पीरियड की बात की कि बच्चा जो यूरिनेट करता है ना, जो बच्चा क्या कहते हैं जो सक करता है मदर के ब्रेस्ट को, पढ़ा होगा आप लोगों ने है ना, क्योंकि अभी डिटेल में इतना ज्यादा नहीं उसमें, तो वो सारा क्या है वो उन सब के द्वारा जितनी भी ये सब एक्टिविटीज उसकी होती है इन सबसे ज्यादा उसकी क्या होती है ये एग्जिगरेट करती है, बाहर निकलती है उसकी सेक्सुअल एनर्जी, उन्होंने इससे कोरिलेट किया हुआ है, तभी तो कहा ना कि ओरल स्टेज एनल स्टेज है ना उसके थ्रू, फिर एडोलेसेंट की तो एक अलग जो कहा गया है, वैसे जो माना गया है वो यही कहा गया है कि भाई सेक्सुअल एनर्जी और स्टोर्ड इन एडोलेसेंट स्टेज जब प्यूबर्टल स्टेज अटेन करने पर फ्रॉइड के द्वारा ये माना गया, कुछ क्रिटिक्स भी रही लेकिन कुछ फैक्ट्स भी कुछ तथ्य उनके भी सही रहे, इसलिए इस थ्योरी को पूरा बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते है ना, इसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। हाँ क्रिटिक्स इस पर बने हुए हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस वो इसकी बनी हुई है, पर फिर पूरी तरह से इसको कुछ जो साइकोलॉजिस्ट रहे उन्होंने इस चीज को कहा कि नहीं ऐसा, इस पे कंट्रोवर्शियल भी रहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इस चीजों में कंट्रोवर्सी रही, लेकिन उनके कुछ जो जो चीजें रही हैं वो सही है, उनको डिनाय नहीं किया जा सकता है। अगर हम इरिक्सन की बात करते हैं तो इरिक्सन ने किस पर बेस्ड इनकी इनका है, कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड है, यही सारे इश्यूज की जब हम बात कर रहे हैं तो इरिक्सन की थ्योरी क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड है। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, क्या संघर्ष रहते हैं, किसी एक स्टेज का कोई एग्जाम्पल
किसी भी जो एरिक्सन के द्वारा 8 दी गई हैं स्टेजेस होल लाइफ साइकिल की, उसकी किसी एक स्टेज का कोई एक कॉन्फ्लिक्ट जरा बताने की कोशिश करें। मैम ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट और ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट है, और एक मैम 8 स्टेजेस बताई उन्होंने, 8 स्टेजेस बताई है, एक आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन रोल कंफ्यूजन। यस मैम एडोलेसेंट की स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो ये उनकी ये जो क्राइसिस जो संघर्ष बताए हैं उन्होंने कि जो ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट भी है, एक ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट आगे मैं ये दिखा रही हूँ, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ये है, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनिटिटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये पूरा का पूरा उन्होंने जो होल लाइफ साइकिल है उसको जो है पूरा स्पर्ट बैन कर दिया है। अब इस यही इश्यूज आते हैं जो हम बात कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट की इश्यू ह्यूमन की भाई ट्रस्ट है ना वर्सेस मिसट्रस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है कि मदर या जो केयर टेकर है ना उस बच्चे की उस समय की जो उसकी डिजायर्स हैं, डिजायर्स क्या हैं, लव अफेक्शन केयर, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे उसको खाना मिल रहा है, प्रॉपर उसको अगर भाई गीला हो गया तो तुरंत उसके कपड़े चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, जब वो अगर फील कर रहा है लोन तो मदर उसके पास में, भाई उसकी यही तो है, उसकी इस एज में क्या उसकी रिक्वायरमेंट, क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, यही तो सब होंगी। तो अगर ये सब चीजें उसकी फुलफिल होती जा रही हैं, पूरी तरह से होती जा रही हैं, या हम कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव टाइप की पेरेंटिंग हो रही है, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें ऐसी बेटा कोरिलेट है, वही उसी में आपको रिसर्च का जो है कि अगर अथॉरिटेटिव है जिसमें कि पूरा का पूरा पेरेंट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, पूरी चीज बच्चे की बहुत अच्छी जो है उसकी नर्चरिंग कर रहा है, बहुत केयर है, वार्म्थ है, अफेक्शनेट है, तो क्या होगा उस बच्चे के अंदर ये ट्रस्ट की फीलिंग है ना, भरोसे की भावना डेवलप होगी, ठीक है, जहां भरोसे की भावना डेवलप हो गई तो क्या होगा वो आगे का जिसका जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट कौन से जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उन पर सब पे इस विश्वास का इफेक्ट पड़ेगा। और इसी का जब अगर अलग बिल्कुल दूसरा स्वरूप अगर देखते हैं हम, इस मिसट्रस्ट की अगर बात कर रहे हैं, इस मिसट्रस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर मिसट्रस्ट होता है, मिसट्रस्ट कैसे आएगा, अगर चाइल्ड नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, उसकी जो बेसिक जो नीड्स है ना, पता लगा उसे भूख लगी है, वो पता लगा उससे पहले आधा घंटे रो लिया, उसको बाद उसके बाद उसका दूध मिल रहा है, वो अलग जो है लेटा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा अंदर से जो है अलोन फील कर रहा है, एंजाइटी है, कहीं उसको डर की फीलिंग आ रही है, पर उसको कोई भी उसके पास में नहीं है जहां पे वो क्या होगा, तो उसका भरोसा, उसका जो ट्रस्ट है, जो मिसट्रस्ट की जो नहीं रहेगी, वो चीजें क्या है, फिर आगे उसके जो डेवलपमेंट है जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में उन पर इफेक्ट उसका पड़ेगा। सारे मैंने ये समझाऊंगी, ये अगर हम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की बात करते हैं तो हमने बात की कि 18 मंथ से 3 इयर्स तक की, तो ये बहुत एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज मतलब बहुत कुछ करना चाहता है बच्चा, हर एक चीज में अपने को इन्वॉल्व करना चाहता है, मैं ये भी कर लूं, खेलने में हो, करने में हो, हर एक, इसीलिए इसको एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहा गया है, बहुत एक्सप्लोर करना चाहता है। पर अगर बच्चा कोई काम करने का प्रयास करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि बच्चे ने जो है लेके आया कि उसने क्या किया कि फ्लावर वास लेके आया, फ्लावर वास मतलब एक क्या जिसमें फूल रखे जाते हैं, ठीक है, वो कांच का है, और उसने अपने देखा कि हमें इसमें फ्लावर अरेंजमेंट करूं, फ्लावर्स को वो अपने कहीं गार्डन से है या गमले से तोड़े और अरेंजमेंट करने की कोशिश की, कोशिश करने पे क्या हुआ, बाय चांस अगर वो ग्लास का जो फ्लावर वास था वो टूट गया, और क्या हुआ कि
यहाँ ऑटोनॉमिक्स करने की चीज होती है, पर वो फ्लावर वास टूटने के बाद उसकी मदर ने या जो भी फैमिली मेंबर है या केयर टेकर है उसने उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया, डांटा या पनिशमेंट दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो उसकी करने की जो ऑटोनॉमी जो वो है, जो किसी काम को अपने आप करने का वो क्या है, वो शेम और डाउट में फीलिंग आने लगती है उसको, क्या है एक अलग से एक लज्जा सी कि वो चीज गिर गई टूट गई तो दूसरा भी काम ऐसा होगा, फिर वो डाउट आने लगता है अपने पे उसको कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और इसी पॉइंट में अगर जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है ना ऑटोनॉमी उसकी बनाए रखने के लिए, जो कि उसके आगे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है, उस ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए टूट गया तो उसको इस तरह से समझाने की जरूरत होती वो पेरेंट को या जो भी केयर टेकर है कि अच्छा कोई बात नहीं है टूट गया है, इस बार इस तरह से नहीं इसको रखना, इसको कहीं सही जगह पे रखना, ऊपर रख के कि कहीं नीचे की तरफ ना गिरे, या जमीन पे रख के उसको तब उसमें फ्लावर अरेंजमेंट करना, उसको डायरेक्शन दिया, उसकी जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म नहीं होने दिया और कन्वर्ट नहीं होने दिया शेम में और डाउट में, ठीक है। तो क्योंकि इसके जो दूसरे रूप है मिस्ट्रस्ट शेम एंड डाउट गिल्ट जो अलग अलग स्टेजेस में इंफियोरिटी कंफ्यूजन आइसोलेशन स्टैग्नेशन एंड डिस्पेयर, तो ये क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है जो जो डेवलपमेंट है पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी जो हर एक स्टेजेस को, क्योंकि एक स्टेज अगर मिस्ट्रस्ट यहाँ से होता है तो यहाँ संभलना मुश्किल होता है दूसरी अवस्था में, ठीक है। कुछ हद तक अगर चीजें ठीक होती हैं तो अलग बात है, तो हर एक स्टेजेस से फिर इफेक्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पे यही डिपेंड करता है कि किस तरह से पेरेंट के ऊपर केयर टेकर के ऊपर कि कैसे वो चीजों को संभालते हैं। ये हम एरिक्सन की बात की, फ्रॉइड की अभी बात हुई, फ्रॉइड की हमने बात की और फ्रॉइड के अनुसार उन्होंने जो है इनका ये माना रहा कि 5 years तक है ना 5 वर्ष की उम्र तक जो भी बच्चे के जितना मैक्सिमम उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है ना, और जो एडल्ट पर्सनालिटी होती है वो रिफ्लेक्शन वही है उसका जो 5 years वाला जो 5 साल तक उनका ये मानना। लेकिन ये फिर ये बात आती है कि इसीलिए इश्यूज हैं कि ये चीज क्या सही है कि जितना 5 साल तक जो चीजें होती रहेंगी वो क्या कि कोई भी डेवलपमेंट फिर आगे वो चीजें सही नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एक रेज होता है कि अगर कोई बच्चा है ना किसी ने बहुत क्राइसिस में जीवन व्यतीत किया है 5 साल तक, कोई ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन या पेरेंट्स की किसी तरह की अवस्थाएं रही हों, उसने बहुत अपमानजनक है ना बहुत अब्यूसिव या बहुत तरह इस तरह की उसने लाइफ को सरवाइव किया हो तो क्या होगा, क्या पूरे आगे के समय में भी उसका क्या लाइफ वैसी मतलब बनी रहेगी, वो जो इफेक्ट उसके ऊपर जो आए है ना जो उसने अपमानजनक जिंदगी जी बाद में ना मिला हो उसको, लेकिन उसका प्रभाव रहेगा उसकी पर्सनैलिटी पर। तो यहाँ पे एक ये चीज एक इश्यू बन जाता है एक डेवलपमेंट का कि इस तरह की चीज क्या आगे बनी रहेगी। ये हमने एरिक्सन की बात की, अब बात करते हैं हम कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी ये संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है मानसिक प्रक्रियाओं कौशल है ना मानसिक जितनी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं उसके स्किल्स हैं कौशल और क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है उस जीन पियाजे का एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है थ्योरी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जरा बताओगे कोई मेंटल प्रोसेस क्या होती है, किस कौन से कौशल की बात करें, क्या मेंटल स्किल्स क्या है मेंटल एबिलिटीज क्या है, एनी एग्जाम्पल। मानसिक प्रक्रिया स्किल्स और एबिलिटीज क्या होती है, सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? यस मैम सुन रहे हैं। क्या है कौशल मैम? बिने ने जो बनाया है ना बुद्धि लब्धि वाला, तो उसी के
से संबंधित है लब्धि, लब्धि बेटा वो चीज वो है वो, दिस इज आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि को मेजर करने का वो एक फॉर्मूला है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड आउट द आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि को जानने का। मैंने ये पूछा कि मेंटल स्किल का कोई एग्जांपल बता दो, मेंटल एबिलिटी। अरे बच्चों मैम किसी चीज को सीखने की क्षमता, ये बताओ कंपटीशन एग्जाम देते हो? यस मैम। मेंटल एबिलिटी के होते हैं टेस्ट? यस मैम। होता है जी, जहाँ पे पूछा जाता है कि राम श्याम से बड़ा और श्याम क्या कहते हैं मोहन से छोटा, रीजनिंग 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 लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग ये सब क्या है? ये हमारी मेंटल स्किल्स में, मेंटल एबिलिटीज में तो आएगा। यस मैम। आपकी कितनी, आपकी जो है कितनी स्किल जो है, हम फिजिकल स्किल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, मेंटल स्किल की बात हो रही है, तो वो सब चीजें क्या है? वो यही सारी स्किल्स है, ठीक है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत पे जिसका एक ये एग्जाम्पल है, इस पर भी ये एक इश्यू आता है डेवलपमेंट का। अब हम बात करते हैं लर्निंग थ्योरीज की, ठीक है? लर्निंग थ्योरीज, ये सीखने के सिद्धांत, ठीक। और ये जो थ्योरी है ये इस बात पे ध्यान केंद्रित करती है कि जो वातावरण है हमारा, ठीक है, जो भी जहां आसपास रहता है व्यक्ति, किस प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसका वातावरण किस प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें जो है बेसिकली तीन चीजें आती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग। कोई बताएगा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? मैम पावलोव ने दिए क्लासिकल थ्योरी, पावलोव ने दिए क्लासिकल कंडीशनिंग, पर क्या है ये मैम? मतलब मैं एक एग्जांपल, जैसे कि हम किसी पुरानी चीज को, मतलब हमने जो बहुत सालों से नहीं की है, अचानक से अगर वो चीज हमारे सामने से घटती तो हमें वो चीज याद आ जाती है कि हाँ ये चीज हमने भी करी थी। तो ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है, जैसे कि कुत्ते को भोजन दे करके कुत्ते का लार टपकाना। नहीं नहीं नहीं, वो जो एग्जांपल दिया वो ठीक है, ठीक है, जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे वो ठीक है, पर वो याद आ जाना वो चीज। क्लासिकल कंडीशनिंग से मतलब ये है कि जो नेचुरल रेस्पॉन्स है ना, उसको हम अननेचुरल से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो ये एग्जांपल जो डॉग की बात आई उसमें ये था कि पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, कि उन्होंने उसको डॉग को एक रखा जो है उसमें रूम में, और उसको क्या किया कि खाना दिया, ठीक है। खाना पहले क्या करते थे, वो एक बैल बजाते थे, बैल बजाने के बाद उस बच्चे को, सॉरी उस डॉग को क्या था, खाना देते। तो क्या है, उसके क्या होती थी, लार निकलती थी, और ये करा था कि उसको उस लार का भी वो वहां पे वो करके ऑपरेशन करके एक ट्यूब लगा दी थी कि लार निकलती है उसको जज करने के लिए। तो बैल बजती, खाना उसको दिया जाता, उसके जो है लार निकलने लगती डॉग के। ये चीज जो है वो क्या है भाई, नेचुरल रेस्पॉन्स है, सामने खाना आएगा, खाना आने के बाद में ऑब्वियस है, हम लोग ह्यूमन बीइंग भी है, बहुत अच्छा खाना आता है तो लगता नहीं है, हल्का सा जो है मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नेचुरल एक रिस्पॉन्स है। पर वो जो बेल जो बेल बजा के फिर खाना जो दिया जाता है, ये चीज रिपीटेडली कई बार की गई, तो रिपीटेडली कही, तो ये क्या है क्लासिकल, उसकी कंडीशनिंग यहाँ पे जो बात आ रही है वो यही हुई कि उसके बाद में क्या किया कि एक बार फिर क्या करके कि बैल बजाई पर खाना उसको नहीं दिया गया, पर उस बैल बजने के बाद से ही उसको क्या है, सलाइवेशन होने लगा, लार उसके निकलने लगी डॉग के मुंह से। तो यहाँ क्या हुई, कंडीशनिंग हो गई, जो नेचुरल रिस्पॉन्स से है ना
इन नेचुरल रिस्पॉन्स से, कोई बैल का उससे लार से कोई रिलेशन तो है नहीं भाई, बैल कोई खाने की चीज तो है नहीं, वो बैल कान में सुनाई देती है, पर वो उसका क्या था कि बैल बजती थी, बैल बजने के बाद खाना मिलता था, है ना, अनुबंधन हो गया, मतलब उसका अनुबंधन हो गया, अनुबंधन हो गया उसका कि उसका खाने का और उसका बैल बजने का। तो क्या हुआ कि उसके बाद जब ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया गया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिर क्या किया कि भाई बैल एक बार बजाई और खाना नहीं दिया गया, तो तब ये देखा गया कि जो है क्या हुआ है कि तब भी उसके लार जो है निकल रही है। तो इस ये जो है ये शिक्षण की ये प्रक्रिया है कि इस तरह की चीजों को जो लर्निंग है, इस तरह की चीजें, ये भी एक डेवलपमेंट का, एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है क्लासिकल जो कंडीशनिंग। नेक्स्ट आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? किसके द्वारा दी गई थी? मैम स्किनर के द्वारा दी गई थी। हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर के द्वारा दी गई थी मैम। तो बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, तो उसमें भी मतलब उसी तरीके से, मतलब वो पहले चूहे पे किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट, चूहे पर, जिसको उन्होंने इसका जो जिस पिंजरे में रखा उसको स्किनर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो इन्होंने स्किनर ने किया, तो इसको जो है स्किनर बॉक्स का उन्होंने क्या किया कि चूहे को पिंजरे में रखा और वहां पे एक ऐसा लीवर, मतलब एक इस तरह का बनाया कि अगर वो दब जाएगा तो उसके दबने से खाना जो ऊपर रखा हुआ है, वो खाना जो है जो चूहे का, वो उसमें अंदर पिंजरे के अंदर गिर जाएगा, ऐसा एक आउटलेट बनाया गया। तो क्या हुआ कि भाई बहुत भूखा हुआ चूहा उस लिया स्किनर ने, उस भूखे चूहे को उस पिंजरे के अंदर रखा और पिंजरा क्या है, भूख की वजह से बहुत जोर जोर से उसमें पिंजरे में ही कूदने लगा और वो कूदते कूदते क्या हुआ कि वो जो लीवर जो था, है ना, जो चीज बनी हुई थी जिसके दबाने से क्या ओपनिंग खुलेगी और खाना अंदर आ जाएगा, वो बाई चांस उस चूहे से दब गया और वो दबा दबने के बाद खाना जो ऊपर रखा हुआ था उसके पिंजरे के, वो उसके वहां पे अंदर आ गया, उसने खाना खाया, वो सेटिस्फाई हो गया, है ना। फिर क्या हुआ कि फिर इस तरह की चीज हुई, जानबूझ के नहीं करी, फिर ऐसा हुआ कि उसे भूख लगी, भूख लगने के बाद फिर वो उछलने लगा, उछलते उछलते बाई चांस फिर ऐसा हुआ, ये तीसरी बार, चौथी, उसके बाद में इस तरह की चीज हुई कि वो यहाँ तक पहुंच गया कि हाँ उसे भूख लगी है, और उसके बाद उसको समझ में आ गया कि ये जो है ये ही लीवर है और इसको दबाने से, बस दबाया और खाना जो है क्या कहते हैं नीचे आ जाएगा। फिर उसको कई बार कूदना नहीं पड़ा, पहले बाय चांस में चीजें हुई, है ना। इसी को फिर कहा ऑपरेंट कंडीशनिंग, कहा कि वो फिर उसके बाद में जैसे उसे भूख लगी, भूख लगने के बाद वो फिर उसे कहीं पे भी और नहीं कूद रहा है, वो उसी लीवर पे जाके उसने दबाया और जहाँ जो आउटलेट जो ओपनिंग है वो ओपन हुई और खाना अंदर। इसको फिर उन्होंने क्रॉस चेक भी किया अपने इस एक्सपेरिमेंट को, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्रॉस करने के बाद में पिजन्स पे भी किया, पिजन्स पे जहाँ पे की रखी है ना, इसको आगे आप देखिएगा जिसको उन्होंने पिजन बॉक्स भी कहा। उसके बाद आती है सोशल लर्निंग, है ना। सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बेंड्यूरा के द्वारा, ठीक है, अल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा सोशल लर्निंग जो है। तो इसलिए क्या था, इसमें सीधी चीज है कि दूसरों को देखकर, है ना, उनके अनुरूप, भाई सीधे वर्ड आ रहा है सोशल लर्निंग, भाई सोसाइटी से, समाज से, बाहरी रूप से, बाहरी लोगों को, है ना, जो कुछ हो रहा है उसको देख के उसके अनुरूप उनके अनुसार व्यवहार को करना, है ना, या उनके अनुसार डेवलपमेंट होना, वो है सोशल लर्निंग, ठीक है। व्यवहार व्यक्ति और परिवार पर्यावरण के बीच के एक बातचीत को आकार देता है, ठीक है। जो भी पर्यावरण है और इंडिविजुअल है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो सहज जो संबंध है, उसी का एक रिजल्ट है। अब तीसरा जो आता है इश्यू, हमने दो इश्यूज डील किए, है ना। पहला था हमारा नेचर वर्सेस नर्चर, जिसको हम कहते थे हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। दूसरा था हमारा कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है।
तीसरा हमारा इशू है स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, है ना, स्थिरता की बात करते हैं और चेंज की बात करी जा रही है, ये हमारा तीसरा जो है इश्यू है डेवलपमेंटल। स्टेबिलिटी, किस चीज की स्टेबिलिटी बताएगा कोई? मैम जो चेंजमेंट होते रहते हैं, मतलब पर्सनालिटी का संबंधित होने के लिए यहाँ पे लिखा कि ये अगर हम ये कहें कि शैशव अवस्था में ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, ठीक है, शैशव अवस्था के दौरान जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, व्यक्तित्व के लक्षण हैं जो भी, वो क्या जीवन भर रहते हैं? बात यहाँ आती है ये कि जो इन्फेंसी पीरियड में जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, है ना, कोई भी व्यक्तित्व के जो भी, है ना, गुण है या जो लक्षण है, वो क्या पूरे होल लाइफ, है ना, टिल, है ना, एंड ऑफ द ओल्ड एज तक क्या वो स्टेबल रहेंगे? यही एक मुद्दा है, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज की बात आती है, एक इश्यू है डेवलपमेंटल, ये ऐसा होता है कि नहीं? स्टेबिलिटी चेंज जो है, डिबेट डिस्क्राइब्स अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डिस्कशन अबाउट वेदर पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट बर्थ रिमेन कॉन्स्टेंट और चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये पूरे टाइम डिबेट का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ऐसा होगा कि जो भी जन्म के समय, है ना, व्यक्ति के अंदर जो भी पर्सनालिटी ट्रेट मौजूद रहते हैं वो क्या जीवन भर चलेंगे? अब एग्जाम्पल की एक बात आती है, इससे ज्यादा समझ में आएगा कि कोई बच्चा स्वाभाविक रूप से, है ना, नेचुरली एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, मतलब बहिर्मुखी, बहुत जल्दी बोलने वाला, जवाब देने वाला और कह सकते हो बातूनी है, तो वो बच्चा वैसा ही रहेगा? वो पूरे जीवन भर इस तरह की चीजें रहेंगी उसकी? जब वो आगे एडल्टहुड स्टेज में भी आएगा तो क्या वो ऐसा ही एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा, स्वभाव का रहेगा, बातूनी ही रहेगा? ऐसा, इसको हम, ये चीज एक मूलभूत प्रश्न, ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या चीजें ऐसी बनी रहेंगी? ये चीजें नेचर वर्सेस नर्चर में भी ये चीज आ रही थी कि जो प्राकृतिक है वो जरूरी नहीं है कि वो क्या है, वो इन्वायरमेंटल भी हो। तो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन एक उठता है कि जो चीजें बचपन में है क्या वो आगे भी ऐसी बनी रहेंगी? चेंज की अगर हम बात करते हैं तो जो परिवर्तन जो सिद्धांतकार रहे हैं, जो थ्योरिस्ट रहे हैं, उनका ये तर्क रहा है कि व्यक्तित्व जो परिवार के साथ, बातचीत के साथ, है ना, जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो क्या है, जो फैमिली में रहने के साथ बातचीत, उनके साथ जो इंटरेक्शन रखा जाता है, स्कूल में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या स्कूल में जो टीचर के साथ या अपने मेट, स्कूल मेट्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, जो अनुभव होते हैं, ठीक है, उसी का क्या है, वो उसी का स्वरूप होता है, थ्योरीज का ये मानना है। और वहां पे हम जब बात कर रहे थे स्टेबिलिटी, यहाँ पे हमने जो बात की, यहाँ पे हम ये बात कह रहे हैं कि जन्मजात कोई नेचुरल टेंडेंसी है, बात को समझना, कोई जन्मजात जो प्राकृतिक रूप में जो नेचुरली है, है ना, तो उसको ये कहा कि वो इस तरह की, जो मैं पीछे ये बात का एग्जांपल दिया कि बच्चा स्वाभाविक रूप से, है ना, एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट नेचर का है तो वो क्या आगे भी एक्सट्रोवर्ट नेचर का रहेगा? पर यहाँ जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी चेंज की, तो ये चेंज थ्योरिस्ट जो है, जो इनका ये मानना है, उनका ये आर्ग्यूमेंट, ये तर्क है कि वो किस चीज पे बेस्ड होगा, कि कैसा इंटरेक्शन है फैमिली में, है ना, किस तरह का जो है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस स्कूल में है या इंटरेक्शन है ना, उसके अनुसार
उसके अनुसार जो है व्यवहार, या हम कह सकते हो जो पीछे वाली बात कही गई कि बहिर्मुखी या अंतर्मुखी या कैसा रहेगा, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, वो उस पर डिपेंड करेगा। और बच्चों के अध्ययनों से ये चीज भी पता लगी है कि विकास के पहलू में प्रभावशाली स्थिरता देखने को मिलती है। ये भी कहा गया है कि कुछ चीजें स्टेबल भी रहती हैं, है ना। चेंज यहाँ पे हमने कहा फैमिली से इंटरेक्शन कम हो गया, है ना। जैसे कि एडोलेसेंट स्टेज की हम बात करें, जो मैं पहली बात कर रही हूँ इंटरेक्शन विद फैमिली एंड एक्सपीरियंस, भाई एडोलेसेंट स्टेज में क्या है, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो कम होने के बाद में क्या होगा, उनके डेवलपमेंट में चेंज आएगा, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, क्या ये चीज आ रही। पर कुछ अध्ययन इस तरह के हुए हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि वहां पे स्टेबिलिटी ओवर टाइम, है ना, पूरे समय बनी रहती है स्थिरता। वो किस तरह की चीज, कि बच्चे का माँ बाप से अटैचमेंट, है ना, अपने पेरेंट्स से वो अटैचमेंट, चाहे वो साथ रह के ना हो पर फीलिंग में हो, है ना, उनसे जो उनकी पर्सनालिटी से अटैचमेंट, है ना, उनके व्यक्तित्व से अटैचमेंट, ये चीजें कभी नहीं बदलती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस मैम, यस मैम। है ना, चेंज है ना, पर कहीं स्टेबिलिटी भी है, दोनों चीजें साथ में चलेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि जो, तभी हमने कहा इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट की हम बात की कि स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज की, कि स्थिर रहेगी हर एक चीज, ये भी नहीं कह सकते हैं, और हर चीज बदलेगी ये भी नहीं कह सकते हैं। कुछ चीजें की स्टेबिलिटी है, कुछ चीजों का बदलाव है, इन दोनों का क्या है, एक जो बीच का, है ना, इन दोनों का जो, ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो सह संबंध है उसका प्रभाव डेवलपमेंट पर पड़ता है। कोई चीज को हम अकेले नहीं मान सकते। अब ये कुछ चीजें क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इससे हम एग्री कर रहे हैं, है ना, कि हम डिसएग्री कर रहे हैं। हेरिडिटी एग्जर्ट्स ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ना, कि हेरिडिटी का ग्रेटर इन्फ्लुएंस है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि एनवायरनमेंट का है। अब एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ये यहाँ फिर वही वाली चीज आती है। व्हाट हैज बीन एक्सपीरियंस इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लॉन्गर बी चेंज्ड, जो अर्लीस्ट एक्सपीरियंस, जो भी स्टेजेस में जो एक्सपीरियंस है वो आगे क्या बदलेंगे या वैसे ही बने रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है ये रेज होते हैं, और ये चीजें जो है इसी चीजें की वजह से बनती, इसीलिए इसको हमने कहा कि ये डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, कि इसको हम एकदम किसी चीज को हम सही ना सकते। डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट, हम ये नहीं कह सकते कि क्यों, एनवायरनमेंट नहीं, हेरिडिटी पे भी है, पर हम ये कहें कि हेरिडिटी पर है तब भी ये नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट पे भी, दोनों की दोनों चीजें हम इनको अलग नहीं कर सकते शब्दों को। हेरिडिटी एनवायरनमेंट एक साथ चलेंगे, कहीं पर हेरिडिटी है तो कहीं पर एनवायरनमेंट है। हाँ, ये जरूर एक आता है कि कौन सी चीज किस पर ऊपर भारी पड़ जाए। अब एक ये भी आता है कि हाउ द फर्स्ट 9 months शेप द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये बाकी की चीजें हमने बात कही है, वो हमने जन्म के बाद की बातें कही है, लेकिन कुछ चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, कि उन 9 months पर भी करती हैं, उस प्रेगनेंसी पीरियड में जिस समय बच्चे का लालन पालन मदर के यूट्रस में होता है, है ना, तो वहां पे भी ये चीजें आती, फर्क पड़ता है इन सब चीजों का भी, कि किस तरह से जो है उसको न्यूट्रिशन मिला, है ना, किस तरह की मेंटल स्टेटस रहा मदर का, किस तरह की उसकी फीलिंग्स रही, है ना, क्या क्या चीजें ड्रग्स है, क्या है, क्या जो है इन्फेक्शियस जो चीजों से एक्सपोज ऑफ हुआ, तो इन सब का प्रभाव भी पड़ेगा। हम क्यों कहते हैं कि भाई किस, ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं कि बीपी की दिक्कत है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई इसलिए हाई बीपी है क्योंकि
भाई हमारे जो है पेरेंट्स को था या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को था, हेरिडिटरी है। पर आप ये बताओ कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हाई बीपी की किसी को फैमिली में, किसी की फैमिली बैकग्राउंड में ये दिक्कत नहीं होती है, या डायबिटीज की है ना, या हार्ट अटैक का। तो ये चीजें ना होने के बाद में तो फिर वो किसका इफेक्ट आ रहा है, फिर तब हम नहीं कह सकते ना कि हेरिडिटी का है, फिर किसका है भाई, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट से क्या चीज आ रही है, इन्वायरमेंट से क्या चीज आ रही है, वो हमारी लाइफ स्टाइल है ना भाई, वो चीज हमारी लाइफ स्टाइल है, हम कितना जो है किसी चीज को ले रहे हैं, हमारा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट। तो क्या कहा, हेरिडिटी भी हमने बात तब कही कि जहाँ पे हमने पीछे कहा कि हमारी प्री हिस्ट्री जो है क्या कहते हैं पेरेंट्स की, किनको डायबिटीज और वो है, तो वो चीज गुण लेके भी जा रही है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। पर नहीं भी है, ना होने के बाद भी हार्ट अटैक और डायबिटीज और हाई बीपी हो रहा है, ठीक है। और इधर हमने ये बात कही कि इन सब चीजों का भी बहुत बड़ा जो जेस्टेशन पीरियड है, जो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है, और जो मदर का हेल्थ है, उसका स्टेट ऑफ माइंड है, इस सब का जो भी इफेक्ट है, वो भी एक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम उस रूप में पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, है ना, पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। ये सारा हमने अभी जो है डील किया कि क्या इश्यूज है। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट, जो हमारी आती है वो आती है डेवलपमेंट असेसमेंट इन चिल्ड्रन, कि किस तरह से हम असेस कर सकते हैं, उनका असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं कि प्रॉपर डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है, सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है, कि कहीं पे डाइवर्टेड है, जहाँ पे हमको हेल्प की एक्सटर्नल या तो केयर के द्वारा जरूरत है, या फिर हमें एक्सटर्नल हेल्प भाई डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या और कोई भी है, उसकी हेल्प की जरूरत है। तो जो डेवलपमेंटल असेसमेंट है चिल्ड्रन का, उसके अपने सबसे बड़ी आसानी ये है कि भाई हमारे पास जो रिसर्च के द्वारा है ना, वो सारे पास हमारे पास क्या है, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। बस उसमें से हमको क्या देखना है कि उस एज के अकॉर्डिंग आप अगर असेसमेंट करते हो, है ना, आप अपना रिसर्च वर्क करते हो कोई भी, और आप किसी भी बच्चे का, किसी एज ग्रुप का आप लेते हो, उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हो, ये एक पूरा एक टॉपिक बनता है आपका रिसर्च का। तो क्या है कि आप पहले जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, जो माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट के, है ना, अलग अलग जो दे रखे हैं, उनको आप देखेंगे। देखने के बाद में क्या है, उसी से असेसमेंट होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे ये अप टू द मार्क चल रहा है ना, या पीछे चल रहा है, या अपनी एज के अकॉर्डिंग आगे चल रहा है, ठीक है। और उसके टूल्स अलग अलग है, और उन स्टैंडर्ड से हम उनको जज कर सकते हैं। ये इस वाली क्लास में तो पूरा अटेंड नहीं हो पाएगा, है ना, इसको फिर नेक्स्ट में करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड हमारा जो चलेगा डेवलपमेंट असेसमेंट, हम किसका करेंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, सोशल कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, विजन एंड हियरिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसके स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, मैं इनके टेस्ट भी कुछ बताऊंगी, ठीक है, आगे वो उसके वो भी दूंगी एग्जांपल्स कि कुछ टेस्ट के थ्रू भी हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखना है, हमें सोशल डेवलपमेंट देखना है ना, सोशल डेवलपमेंट जैसे नन्ही राव का जो है सोशल मेच्योरिटी स्केल है, ठीक है, उस स्केल से हम बच्चे की सोशल मेच्योरिटी को, उसके सोशल डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कुछ स्केल्स, कुछ स्टैंडर्ड टूल्स भी हैं, उन टूल्स को हम अपनी रिसर्च
जब आप रिसर्च करते हैं, आपने जो भी अपना टॉपिक लिया होता है, आपको किस आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है उस इंटरेस्ट ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग आप लेते हैं, तो उनका इन स्केल्स का जो स्टैंडर्ड स्केल्स हैं, उन स्केल्स का आप उस पर यूज कर सकते हैं। स्केल्स कोई नापने वाली चीज नहीं, ठीक है? तो वो उन स्केल्स को आप यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके, जैसे मैंने सोशल मेच्योरिटी का, इमोशनल अगर हम मेच्योरिटी की बात करते हैं, है ना, तो जो है वो भी स्केल्स जो है बने हुए हैं। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी सारे उस पे, जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, उन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे हर एक किसी पे कुछ ना कुछ जो है स्केल्स बने हुए हैं एज के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब यहाँ पे 5 o'clock हो गया है ना? यस मैम। तो यहाँ पे हम लोग क्लास को जो है एंड करते हैं, ठीक है? आगे नेक्स्ट उसमें इसको जो असेसमेंट है उसको डील करेंगे। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से कैसे जो है निकल के आएगा आपका, देखिए रिसर्च टॉपिक पहले ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने हिसाब से ना बनाइएगा। आप अपना फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप खोल के उस पे वो जरूर करो कि इस पे काम क्या हुआ है, कहाँ चीजें हैं। अब जिन पे उसका कोई फायदा नहीं रिसर्च का, जिस पे बहुत सारा काम हो रखा है और वही उठा के आप कर लो, आप सोचो यहाँ पे आसानी है चीजें। तो जहां पे गैप्स हैं, सही रिसर्च वही मानी जाती है कि पहले अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखो। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखने के बाद में उस पे देखो कि काम क्या हुआ है और कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ चीजें जो है गैप्स फिलअप करने की जरूरत है, कौन सी चीजें फाइंड आउट नहीं हुई है। अपने मन से उठा के इस तरह से जो मन आए वो उठा के मत रख लीजिएगा। कुछ पूछना है जो अभी तक मैंने जो इश्यूज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, एनी क्वेश्चन? ठीक है, क्लास को एंड कर रही हूँ अभी, आपको लॉग आउट नहीं करना है।
चुके हैं।